सबसे पहले सर सत श्री अकाल पंजाब आने के लिए। सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद। सर आपकी मूवी का ट्रेलर देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है जी, तो क्या कि काफ़ी एक्सपेरिमेंटल लग रहा है ना, तो काफ़ी शेड्स देखने को मिले बंदे के लाइफ के, है ना, लड़के के भी लड़की के भी, तो आइडिया कहाँ से आया? उसके बाद हम पूछेंगे कि टाइटल कैसे आपने चूज़ किया ये? नहीं उल्टा जाइए, मैं पहले टाइटल पे ही वर्कआउट करता हूँ, खुद राइटर होने की वजह से मैं पहले टाइटल वर्कआउट करता हूँ फिर आइडिया डेवलप होती है। तो पहले मैंने टाइटल डिसाइड किया कि गन वाली दुल्हनिया, मैंने जब सोचा तो मैं भी आया था, अरे बहुत अच्छा टाइटल आया, फिर उसके ऊपर मैंने आइडिया डेवलप किए। बिल्कुल, वैसे दुल्हन के हाथ में गन, अरे नहीं कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है या कुछ मिसमैच नहीं है? यूनिक कह सकते हो, मिसमैच नहीं है क्योंकि दूसरे हाथ में वरमाला भी है। आई थिंक इंट्यूशन है, आप ट्राई कर सकते हो, वरमाला दूसरे हाथ में है। तो दुल्हनिया काफ़ी आई, दिल वाली दुल्हनिया, मैं सभी जगह पर कह रहा हूँ, दिल वाली दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, तो मैंने सोचा यार कुछ कोई एक दुल्हन अंडरवर्ल्ड से भी उठा लेते जिसके हाथ में गन हो, तो उठा लिया और आज बना ली फिल्म। फिर दुल्हन से ही पूछते हैं कि उसको गन पकड़ के कैसा लग रहा है? एक्चुअली मुझे कोई भी काम ना सीधे सीधे करना समझ में नहीं आता है ना, कुछ भी काम हो थोड़ा सा अलग यूनिकली करूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है, और इसमें दुल्हनिया थी, इनोवेशन ये था कि गन वाली दुल्हनिया है, तो जब एक हाथ में यू नो गन आती है और एक हाथ में वरमाला आता है, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा, इसे मिसमैच जो आपने कहा था ये मिसमैच नहीं है, आई थिंक ये इनोवेशन है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, और क्योंकि थोड़ा सा हटके था, कोई भी दुल्हन कभी भी हाथ में गन लेकर नहीं देखी होगी आपने, बट हाँ इस दुल्हन को, गन वाली दुल्हनिया को आप ज़रूर हाथ में गन लेकर देखोगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। शूटिंग्स कहाँ कहाँ की है मूवी की, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी शेड्स हैं, काफ़ी लोकेशन का यूज़ किया गया है। लखनऊ, बरेली, सीतापुर, नैमिष और उत्तराखंड, नैनीताल, तो उत्तर प्रदेश में इसकी 95% सब फिल्म हुई है और 5% हमने नैनीताल में की है। ओके सर, आपने मूवी में देखा है कि थिएटर आर्टिस्ट को काफ़ी यूज़ किया है जो लीड एक्टर्स हैं, है ना, तो थिएटर से ही उनको लेने का क्या पर्पस था? नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये सारे आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने थिएटर किया है। मैं जब किसी आर्टिस्ट का चयन करता हूँ मैं कभी नहीं पूछता कि उन्होंने थिएटर किया है या नहीं है। नो डाउट थिएटर करने से इनकी कलाकारी में, इनके एक्टिंग में थोड़ा सा इनको सपोर्ट होता है, ये थोड़ा सा लेवल हाई होता है, लेकिन फिल्म टोटली डिफरेंट है। फिल्म करना और थिएटर करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थिएटर्स के आर्टिस्ट हैं जो फिल्मों में नहीं कर पाए, और फिल्मों के बड़े आर्टिस्ट हैं जो थिएटर नहीं कर पाते, तो ये दोनों इंडस्ट्री अलग है, दोनों में अभिनय होता है, लेकिन एक लाइव अभिनय होता है 3 घंटे का, जिसमें आपको रिटेक का चांस नहीं होता है, आप जो करोगे उसके साथ ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहती है, सही गलत जो भी है, आपको वहाँ पर अपने डायलॉग्स, अपने किरदार को संभालने के लिए आपके साथ सपोर्टिंग एक्टर होते हैं। फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, फिल्म में अगर आप एक लाइट भी गलत ले लोगे ना तो रिटेक है, अगर आपकी सेड लाइट की इधर भी आई ना तो रिटेक है, तो एक परिपूर्ण आर्टिस्ट बनकर ही आप फिल्मों में काम कर सकते हो, ये दोनों डिफरेंट सेड है। बिल्कुल मैम, जितना चिर हमने बातचीत की है ना आपसे, तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, है ना, एक जैसे ही हो। एक्चुअली ऐसा नहीं है, शायद ऐसा लग रहा होगा, बट शायद मैं मतलब रियल में काफ़ी डिफरेंट हूँ, और रियल लाइफ मेरी बहुत कम लोगों को पता है, और मैं चाहती हूँ कि सबको ना पता चले, बिकॉज वो बहुत ही अलग है रियल लाइफ में। पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटा जाओ, पर्दे की इस तरफ का आप देखो, इधर की फैमिली देख रही है एक्चुअली, तो पर्दा ना हटाओ लाइक दैट। सो रियल लाइफ मेरी काफ़ी डिफरेंट है रियल लाइफ, क्योंकि हर तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हमें हर तरह का कैरेक्टर प्ले करना है, सो मुझे लगता है हम उसकी प्रिपरेशन रियल लाइफ से ही कर पाते हैं, बिकॉज जब हम अपने रियल लाइफ में होते हैं तो हम उसकी तैयारियाँ करते हैं, क्योंकि कल को हमें कोई भी कैरेक्टर करना पड़ सकता है, तो वो अच्छा है, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है। मैं कभी भी रियल लाइफ से खुद को कभी भी इंस्पायर नहीं होने देती, हाँ कुछ अच्छा कैरेक्टर है तो इंस्पायर ज़रूर हो जाओ, लेकिन ये नहीं कि मैं उसके जैसे ही बन जाऊँगी, सो कभी ऐसा नहीं रहा है, और मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो शायद उन चीज़ों से काफ़ी मिक्सअप नहीं हो पाती हूँ। इंट्रोवर्ट हाँ आपके इंट्रोवर्ट जो मूवी के आर्टिस्ट हैं, है ना, मयूर जी, एलविश जी, है ना, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं।
उन्होंने हाँ एक्चुअली मैंने भी ये देखा कि कई सारे प्रेस में उन्होंने यही कहा कि जैसी कंचन जी दिखती हैं वैसी हैं, पता नहीं किस मेरे लाइक बिहेव से उन्हें ऐसा लगा, पर लगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करती हूँ लोगों से मिलने की और यू नो मिक्सअप होने की, बात करने की, बट शायद मैं कंफर्टेबल नहीं होती। नहीं, इसमें ऐसा है कि आईना हमेशा ये सोचता है कि मैं सामने वालों को उसका दर्पण दिखा रही हूँ, लेकिन आईने में जब हम देखते हैं उस अपना दर्पण, तो साथ साथ आईने को तो पूरा देखते हैं ना। तो इंट्रोवर्ट वाले का ऐसा ही है, इसको लग रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन सामने वाला सब देख रहा है। ये सेट पे कैसे थी? सेट पे एक्चुअली एल्विस और मयूर ने क्या कहा पता नहीं, ये आज बहुत ज़्यादा बोल रही है, मैं इनफैक्ट इसको आ जाते वक्त समझाऊंगा कि थोड़ा सा कम बोल, इतना नहीं बात करती है ये, शायद आपके प्यार भरे प्रेस वालों को देखकर ज़्यादा एक्साइटेड है। Actually. और सेट पर तो वो मयूर से भी बात नहीं करती थी, एल्विस से भी नहीं, अपना शॉट हो गया, अपनी फैमिली आती थी, उसकी फैमिली के साथ बैठी, गप्पे मारे, अपना काम किया, बस निकल गई। इनको लग रहा है कि पंजाब की हवा लग गई है। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे ही लग रहा है। आप पंजाब के बारे में क्या सोचते हैं, पंजाबी ऑडियंस के बारे में? अरे मेरे को तो बड़ी पसंद है पंजाबी ऑडियंस और पंजाबी लोग भी खास तौर से, और जिनके साथ अभी हम एक शो कर रहे थे वो भी खास तौर से पंजाब के ही रहने वाले हैं। सो मुझे काफ़ी सारे लोग पंजाबी मिले हैं और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है काफ़ी पंजाब के लोगों से बराबर टच रहा है उनका, काफ़ी सारे लोग हैं। और लुधियाना में एक फैमिली है हमारी जो कहीं ना कहीं से दूर के रिश्ते में आती है, सो कहीं ना कहीं पंजाबी टच है और पंजाबी कल्चर, बस मन करता है बोलने का, क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉटअप इधर का नहीं है तो वो चीज़ नहीं आती, बट कई लोग बोलते हैं मुझे कि मैं पंजाबी दिखती हूँ, पंजाबी जैसे यू नो जब भी कुछ शलवार वगैरह कैरी करती हूँ तो सब बोलते हैं यू आर पंजाबी क्या, तो मैं कहती हूँ नहीं पंजाबी नहीं हूँ, बट अच्छा लगता है मुझे, हमेशा कल्चर अच्छा लगा है। और अब तो पंजाबी जनता के सामने हूँ, मैं चाहूँगी कि पंजाबी सारी ये पंजाबी ऑडियंस मुझे पसंद करें और मेरी फिल्म देखें गन वाली दुल्हनिया जो कि 3 मई को रिलीज़ हो रही है। सर आप पंजाबी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि 3 मई को वो कैसे ले मूवी को, क्योंकि मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया ट्रेलर, है ना? तो आप क्या अपील करेंगे? जैसे आपने ट्रेलर इन्जॉय किया वैसे फिल्म भी इन्जॉय करोगे आप। मैं चाहूँगा, मैं कह ही रहा हूँ कि इस साल की सबसे कंफ्यूज और ड्रामा दिखाने वाली शादी का हिस्सा बनने के लिए थिएटर में आइए और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो क्या कि एक दुल्हन के हाथ में गन और गन चलती भी है। ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट है सर। चलाती है। राइट समय पे चलाती भी है। सही समय का इंतजार। दूसरे हाथ में वरमाला है, मैंने फिर भी कहा था ऑडियंस भी चांस ले सकती है, वरमाला खा लिए, क्लाइमेक्स शूट नहीं हुआ है, जो भी चाहे अच्छा ऑडियंस आएगा उसको पसंद आएगा, हम क्लाइमेक्स शूट कर देंगे। गन चलती है ये तो पता लग गया, कंफर्म हो गया। वरमाला भी पड़ती है किसी को के नहीं? मैंने कहा ना नहीं पड़ी है, तो ऑडियंस को चांस है, आइए और दलवा लीजिए। कहने का मतलब ही स्कोप है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है जी, 3 मई को आपकी होने वाली रिलीज होने वाली मूवी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे है ना आपको पंजाब की हवा लगी और आपकी मूवी भी पंजाबी ऑडियंस ऐसे ही बिल्कुल ले। पंजाब के ऑडियंस को हमारी फिल्म की हवा लग जाए। और हर वेडिंग में पंजाबी दुल्हन पहले वेडिंग फोटोशूट गन लेकर करे और गन लेकर शूट करने आए। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।